क्योंकि हमारे राजा को झाड़ू पकड़ना पड़ता है। जगन्नाथ के सामने लोकतंत्र चलती है और लोकतंत्र की जगन्नाथ की भूमि में राजा भी झाड़ू मारने के लिए बाध्य है, उसे छेरा पहरा कहते हैं। 7 तारीख को रथ यात्रा है, आप देखेंगे राजा स्वयं झाड़ू मार रहे होंगे और तभी जगन्नाथ आगे बढ़ेंगे। यह लोकतंत्र की महिमा है, जब तक सनातन है तब तक लोकतंत्र रहेगा भारतवर्ष में। हम भी खुश हैं स्वाभाविक रूप से, सरकार बनी हम खुश हैं, देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश हैं। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है ये अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर, हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भार्गव भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहाँ आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि हिंदू महिलाओं को एनस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, भीमड़ा, ये माताएं हैं हमारी, हमने कभी एनस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है। ना राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। आप ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी, आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। डॉक्टर का विषय है, विकार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए, आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है ये। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है, ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है। इतना ही कह के मैं पीठासीन को नमन करके धन्यवाद देता हूँ। श्री अमरिंदर सिंह ब्रार जी। सभापति महोदय, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और हर जगह खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं स्वाभाविक रूप से, सरकार बनी हम खुश हैं,
देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर चहुंदिक दिशा में खुशी का वातावरण है, हम खुश, देश खुश, वो भी खुश है, तो खतरे में कौन है और भयभीत कौन है? किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए बंधु, आप तो खुश हैं, आप तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और डबल खुशी तो हमारे पास है, हमारे पास खुशी इस बात की भी है कि हमने सरकार बनाई है, और खुशी इस बात की भी है कि LOP राहुल जी बने, डबल खुशी है। और एक राहुल जी नहीं बने हैं, दो दो राहुल जी। आज एक राहुल जी ने कहा मैं आज एक नहीं हूं, मैं दो। जब एक राहुल से इतना बड़ा एसेट का हमें प्राप्ति हुई थी, आप सोचिए दो राहुल से इस देश को कितना लाभ होगा। और मुझे लगता है हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्हें भी दो राहुल से बहुत ही लाभ होगा। नहीं, अच्छी बात है, देखिए राहुल जी एक एसेट हैं, इसमें कोई दोमत नहीं। मुझे लगता है विपक्ष के मेरे साथी भी इससे सहमत होंगे कि राहुल जी इज एन एसेट, नाउ वी हैव डबल एसेट्स। बंधुगण, मुझे कष्ट इस बात का होता है, मित्रों मुझे कष्ट इस बात की होती है कि ये दुखी इस विषय से नहीं है, ये दुखी इस विषय से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी। बिकॉज आज राहुल जी ने कहा है कि मैं खुश हूँ, वी आर हैप्पी एंड वी आर कंटेंटेड, हमें खुशी है कि हम अपोजिशन में हैं। वो दुखी इस बात से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, वो दुखी इस बात से है कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, इनका 400 पार क्यों नहीं हुआ है। मतलब ये खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर कि इनका 400 पार नहीं हुआ है, और इस विषय को लेकर वो दिवाली मना रहे हैं। आप सोच के देखिए, तीन टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा, इनके जहाज में छेद कब होगा और ये कब डूबेंगे। ये खुद तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। सभापति महोदय, मैं पहली बार सांसद बन के आया हूं, इससे पहले आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा। मुझे एक विषय, और यह पक्ष विपक्ष का विषय नहीं, जब मैं 2010 में बैठता था टीवी पर और डिबेट्स होती थी, तो उस समय जब इलेक्शन डिक्लेयर होते थे तो अमूमन जो विषय उभर के आता था, तुरंत टीवी के एंकर्स के विषय में आज बातचीत हुई, तो पहला विषय जो उभरता था कि अरे जातीय समीकरण क्या है, उस फलाने राज्य में चुनाव होने वाला है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वहाँ का धार्मिक समीकरण क्या है, MY समीकरण बनता है कि नहीं, कितने यादव है, कितने मुसलमान है, कितनी पिछड़ा वर्ग है, कितना अगड़ा वर्ग है, इस समीकरण से क्या हम सरकार बना पाएंगे, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। टुडे आई कैन प्राउडली से द दिस नरेटिव हैज बीन फॉर एवर किल्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज नरेटिव ऑफ डेवलपमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री द नरेशन टुडे इज हाउ मेनी टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, हाउ मेनी आवास योजनाज हैव बीन सेंट टू द पुअर पीपल। पहली बार आज देश में चर्चा का विषय बना है कि देश में आज 12 करोड़ शौचालय, देश में आज आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ घर पहुंचाए गए हैं, आज PM ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 7,45,000 किलोमीटर सड़क बनी है, जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ घरों तक टैप वाटर पहुंचाया गया है, आज ODF 4 लाख से अधिक गाँव आज ओपन डिफिकेशन फ्री ग्राम घोषित किए गए हैं, किसान सम्मान निधि आज लगभग 11 करोड़ 47 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जा रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, उज्ज्वला के माध्यम से 9.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है, सबसे बड़ी बात है कि DBT के माध्यम से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिया जा रहा है। याद करिए एक ऐसा समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे मैं 100 पैसे भेजता हूँ, 1 रुपये भेजता हूँ तो मात्र 18 पैसे नीचे पहुँचते हैं, बाकी बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 पैसे पहुँचाते हैं तो 100 का 100 पैसा गरीब तक पहुँचता है, उसके अकाउंट तक पहुँचता है, कोई बिचौलिया खा नहीं सकता है। सभापति महोदय, आज डेमोक्रेसी को लेकर
लोकतंत्र को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, और आज ही से नहीं, जिस दिन से ओथ टेकिंग चल रहा है, जिस दिन से शपथ समारोह चल रहा है, उसी दिन से लोकतंत्र को लेकर, संविधान की प्रतियों को लेकर बहुत बातें हो रही है। मैं जगन्नाथ पुरी से आता हूं, और आज मैं गर्व से यहां जय जगन्नाथ कहते हुए कहता हूं कि लोकतंत्र का जन्म जगन्नाथ धाम में ही हुआ। मैं बताऊंगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊंगा क्यों हुआ। लोकतंत्र का जन्मदाता जगन्नाथ धाम है। जगन्नाथ मंदिर ने कलिंग के समय लोकतंत्र स्थापित किया। कलिंग अंग भंग कलिंग कहा जाता है। कलिंग के नरेश, कलिंग के राजा, कलिंग के सब कुछ भगवान जगन्नाथ है। वो तो जगत के नाथ हैं, वो तो ब्रह्मांड के नाथ हैं, मगर कलिंग में हम मानते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा नारायण स्वयं हैं, जगन्नाथ है। वो रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, रत्न सिंहासन से कलिंग का आसन वो संभालते हैं। उनका प्रतिनिधि वहां के गजपति महाराज होते हैं। मगर आप देखिए सुंदरता, लोकतंत्र का जन्म कैसे होता है। जगन्नाथ महाराज भी, राजाधिराज जगन्नाथ, इस जगत के नाथ जगन्नाथ, रत्न सिंहासन को त्यज करके, त्याग करके साल में एक बार वो रथारूढ़ होते हैं। वो कहते हैं, मैं गरीबों से मिलने जाऊंगा, उनके घर तक जाऊंगा, जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं मैं उनसे मिलूंगा। यही लोकतंत्र है, यह प्रजातंत्र है। और जब रत्न सिंहासन त्याग करके, त्यज करके जगन्नाथ रथारूढ़ होते हैं, रथ पर आते हैं, तो गजपति महाराज, उड़ीसा के जो महाराज है, वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर खुद जगन्नाथ के आगे झाड़ू चलाते हैं। उस दिन वो सफाई कर्मचारी बन जाते हैं, और गर्व के साथ मैं उत्कड़ पुत्र उड़ीसा का निवासी कह सकता हूं। इसी कारण से उड़ीसा में जाति प्रथा नहीं है, क्योंकि हमारे राजा को झाड़ू पकड़ना पड़ता है। जगन्नाथ के सामने लोकतंत्र चलती है, और लोकतंत्र की, जगन्नाथ की भूमि में राजा भी झाड़ू मारने के लिए बाध्य है। उसे छेरा पहरा कहते हैं। 7 तारीख को रथ यात्रा है, आप देखेंगे राजा स्वयं झाड़ू मार रहे होंगे, और तभी जगन्नाथ आगे बढ़ेंगे। यह लोकतंत्र की महिमा है। जब तक सनातन है तब तक लोकतंत्र रहेगा भारतवर्ष में। जगन्नाथ धाम एक ऐसा धाम है, लोकतंत्र के सीख के लिए, अध्यात्म की सीख के लिए, आदि शंकराचार्य से हम सबके गुरु, गुरु नानक महाराज जी ने भी वहां पधारा था। नीलकंठ वर्णी जी ने भी वहां पधारा था। ऐसे कोई गुरु नहीं जो वहां नहीं आए और वहां से शिक्षा दीक्षा लेकर नहीं गए। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, मेरे प्राजी वहां बैठे हुए हैं सभी, जब 1506 में गुरु नानक देव जी जगन्नाथ पुरी आए थे, और जब वो अंदर गए थे मंदिर भगवान के दर्शन करने, उस समय आरती चल रही थी। उस भव्य आरती को देखने के पश्चात अनायास ही गुरु नानक देव जी के मुख से आरता निकला था, जो अपने आप में आज इतिहास है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव कंडना तेरी, कैसी आरती होए अनहद शब्द बाजत भेरी, कैसी आरती होए तेरी। गुरु नानक देव जी कह रहे, कैसी आरती तेरी, भव्य आरती है। भव खंडना, भय खंडन करने वाला। आप सोच के देखिए, आज भय के विषय में बात हो रही है। अनादि काल से इस भय को खंडन करने का काम महादेव ने किया है। इस भय को खंडन करने का काम उस सनातन ने किया है, जिस सनातन को मिटाने के विषय में आज ये लोग कह रहे थे, और अनेकों वर्षों से सनातन के विरोध में कह रहे थे। मैं केवल और कुछ शब्द कह के अपने विषय को शांत करूंगा। सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है, यह अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। नहीं, आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर
हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भार्गव भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहाँ आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि हिंदू महिलाओं को एनस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, भीमड़ा, ये माताएं हैं हमारी, हमने कभी एनस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है ना। राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संविधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। प्लीज आप बैठिए। ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी, आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। डॉक्टर का विषय है, धिकार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए, आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है ये। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है, ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है। थैंक यू।